पूर्व कश्मीर में जो पत्थरबाज था अभी वो बंगाल में आ गया। हम लोग देखे थे कि पूर्व कश्मीर में जो पाकिस्तान का जो झंडा हम लोग देखे थे, अभी बंगाल का परिस्थिति ऐसा ही हो गया है। जैसे हम लोग देखे हैं कि रामनवमी के शोभा यात्रा के ऊपर ऊपर से पत्थरबाजी हो रहा था, उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ, लेकिन ऊपर से देखे तो जिसके ऊपर आक्रमण हुआ, जो शोभा यात्रा में जो साधारण जो जनरल पब्लिक जो ऐसे ही शोभा यात्रा में शामिल हुए थे, हमारे माता जी, हमारे बहन, सब लोग, बच्चे लोग जो शामिल हुए थे, उसके ऊपर जिसके ऊपर हमला हुआ है उसको गिरफ्तारी किया। अभी तक हम लोग को पता है भी 17 साल का एक लड़की जो कॉलेज से आ रहे थे उसके साथ रामनवमी का कोई संपर्क नहीं है, कोई पॉलिटिकल कनेक्शन भी नहीं है, लेकिन उसको भी गिरफ्तार किया। कोई मुंगेर से कोई किसी को गिरफ्तार किया, तो सब लोग को जो गिरफ्तार कर रहे हैं ये वन साइडेड हो रहा है। और क्यों जो पत्थरबाज है अभी तक, जो उस दिन 4-5 ट्रकों में आके जो ट्रेन में पत्थर फेंका, लोकल ट्रेन में ऐसा करके आक्रमण अटैक किया, उसको क्यों अभी तक नहीं अरेस्ट किया? हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, क्या ममता बनर्जी अपीसमेंट का पॉलिटिक्स कर रहा है? क्या ममता बनर्जी तुष्टिकरण का राजनीति कर रहा है? जा रहे जो पश्चिम बंगाल में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एकदम नहीं है और वन साइडेड अपीसमेंट पॉलिटिक्स चल रहा है, एज ए सीपी उनको पूरा न्यूट्रल होना चाहिए, जो जो इसमें दोषी है उसको शास्ति होना चाहिए और पश्चिम बंगाल में शांति होना चाहिए और रिश्ता में हुगली में जो घटना घटी है उसको कारवाही ठीक से होना चाहिए। जो जैसा पश्चिम बंगाल में जैसा रामनवमी के यात्रा को लेकर जैसा चला, हुगली का रिश्ता में, शिवपुर में, डायमंड हार्बर के बिष्णुपुर में, डालखोला में जैसा अभी अटैक हुआ उसमें, तो हमारे यहाँ पे सीपी क्या कर रहे हैं, इसके लिए ही हम लोग का डेपुटेशन है, कुछ ना कुछ करे, कार्रवाई हो, उसका एपिसमेंट पॉलिटिक्स ना हो।